सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं थैनोस को, जो कि मार्वल एवेंजर्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पर वैसे मैं मार्वल एवेंजर कुछ देखता वेखता नहीं हूँ, तो पर मुझे बोला गया कि कुछ मार्वल्स के कुछ करेक्टर बना दो, तो हमने सोचा कि हम बनाते हैं थैनोस को। ये रही उसकी फ़ोटो और मैं दिखाता हूँ अभी तक मैंने कितना बना चुका हूँ मैं ये, और एक मिनट। तो गाइस अभी तक मैंने कुछ इतना बना लिया है, देख ही सकते हैं आप इसकी डिटेलिंग, आपको ये वीडियो में समझ आ जाएगा मैंने कैसे बनाया है। पर आज की वीडियो में हम बस इतना पार्ट ही डालूंगा मैं, क्योंकि फिर कल मुझे डालने के लिए कुछ समझ रहे हो मिलेगा नहीं, तो फिर आगे का सोच के चलना पड़ता है हमें। तो गाइस अभी तक हमने कुछ इतना ही कंप्लीट किया है और आगे के लिए भी हमें सोच के चलना पड़ रहा है कि हम आगे कितना डालेंगे, तो इसलिए आज सिर्फ इसका हाफ फेस आएगा, कल पूरा आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि कल पूरा मैं डाल ही दूंगा इसे। तो चलो वीडियो तो गाइस सब पोर्ट्रेट की तरह हम पहले बनाएंगे, इसकी आउटलाइन को थोड़ी डार्क कर देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनाई है हमने, वरना कुछ उल्टा बुटला हो सकता है, नाक टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आँख टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो और साथ साथ शेडिंग करते हुए भी चल रहे हैं हम, तो चलो देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग वाली फ़ोटो है, तो हमें एक एक लाइन को, एक एक जो इसकी जरूरी है उसको देख के चलना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम शेडिंग देंगे। तो देखना आप लास्ट तक, बहुत ही बढ़िया बनने वाला है ये स्केच। तो हम टू भी लेयर से इसकी सेकंड लेयर को कवर कर रहे हैं, तो चलो वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहना और बताना कमेंट में कि कैसा बनाएंगे।
तो अभी हम 2B और 4B का यूज़ करके शेड कर रहे हैं, दिख ही रहा होगा आपको, पर अभी तो मेरा हाथ बीच में तो नहीं दिख रहा होगा, अभी थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा। हाँ दिखा दिखा दिखा, हाँ पहली आइस की डिटेलिंग ख़त्म नहीं हो रही है, तो अभी तक हम वही कर रहे हैं और पता नहीं कब कंप्लीट होगी, पर इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें। तो गाइस अभी पहली आइस थोड़ी बहुत कंप्लीट हुई है और मैंने सेकंड आइस चालू कर दिया, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा फिर उससे कि लेवल में है कि नहीं है, शेडिंग का हिसाब कैसा बैठ रहा है, तो वो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिए, तो आप देख लो बस।
अब बारी है इसके सर की, और सर में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग का काम है, आइस से भी ज़्यादा, तो इसमें टाइम लगेगा मेरे को पक्का पता है। तो देखो यार, तो इसकी सेकंड लेयर चालू हो चुकी है, और अभी चने भी साथ में अपने, तो चने के साथ साथ हम ड्राइंग बना रहे हैं। तो गाइस, इतना पार्ट मैंने अभी दिखा दिया है आपको, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, और ये इसलिए करी है क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा फास्ट करा ही नहीं कुछ, और मैंने स्लो वीडियो से डाली क्योंकि आपको भी पता चल जाए कि कैसे लाइट शेड देनी है, कैसे डार्क शेड देनी है ऑब्जेक्ट को देख के। तो कल मिलते हैं इसी पोर्ट्रेट के साथ फुल कम्प्लीटेड।